हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शानू राणा। एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मास्टर स्टडी हब में। मैं रोज़ जीएस के क्वेश्चंस लेकर के आता हूं, जो कि प्रीवियस ईयर के अलग अलग एग्ज़ाम्स में से क्वेश्चन आए हुए हैं और इनके आने की उम्मीद भी है, जो कि आपके रेलवे एग्ज़ाम, NTPC, ग्रुप डी, MTS, SSC 10+2 किसी भी एग्ज़ाम में काम आ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरे वीडियोज़ देखते होंगे। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट करके मुझे अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता हूँ और मैं वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? ये होता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन होता है और मध्य प्रदेश। इसके बाद जो अपना यूपी है वो सेकेंड नंबर पर है। सेकेंड नंबर पर कौन सा राज्य है? यूपी। और थर्ड नंबर पर कौन सा है? वो है राजस्थान। राजस्थान, ये तीन राज्य हैं टॉप जहाँ पर सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन होता है। और एमपी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। एमपी की राजधानी है भोपाल, एमपी के सीएम हैं कमलनाथ और एमपी के गवर्नर हैं लालजी टंडन। एमपी के गवर्नर हैं लालजी टंडन। और जो ये दाल का उत्पादन है, ये पूरे भारत का कुल 26% योगदान इसमें रहता है। मध्य प्रदेश का पूरे भारत का कुल 26% रहता है योगदान इसमें मध्य प्रदेश का दाल उत्पादन में। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? यहाँ पर ये आपके चार ऑप्शन मैंने दिए हुए हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। इनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर अभी तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी। देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है यहाँ पर महाराष्ट्र होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। बिहार के बारे में बता दूँ, बिहार में राबड़ी देवी जी रह चुकी हैं और उत्तर प्रदेश में तो सरोजनी नायडू जी रह चुकी हैं, जो कि पहली महिला मुख्यमंत्री थी। सुचेता कृपलानी जो कि पहली महिला मुख्यमंत्री थी, यूपी की ही बनी थी सुचेता। और राजस्थान में वसुंधरा राजे जी जो रही थी, जो कि अभी अशोक गहलोत जी हैं वहाँ पर राजस्थान में, लेकिन पिछले बार वो हारी थी और इस बार वो हार गई थी। तो राजस्थान में अभी अशोक गहलोत जी हैं, लेकिन राजस्थान में महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। अभी तक महाराष्ट्र में कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है, तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। सांडा ट्रेंच कहाँ है? सांडा ट्रेंच है ये है हिंद महासागर में। कहाँ पर है? हिंद महासागर। अब यहाँ पर वर्ड आया है सांडा ट्रेंच। ये सांडा ट्रेंच होता क्या है? ये सांडा ट्रेंच एक खाई होती है। क्या होती है? ये एक खाई होती है और इसको पहले जावा ट्रेंच के रूप में जाना जाता था। किस रूप में? जावा ट्रेंच, इसका नाम था पहले जावा ट्रेंच। और ये जो है ये हिंद महासागर के सबसे अधिक गहराई वाला ये खाई है। कहाँ पर? उत्तर पूर्वी हिंद महासागर में सबसे अधिक गहराई वाला ये खाई है और इसकी गहराई है लगभग 2600 किलोमीटर। कितनी है? 2600 किलोमीटर। फ्रेंड्स, मैं ये छोटी छोटी बातें इसलिए लिख देता हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में ये आती रहें, और ये छोटी छोटी बातें मैं कभी कभी पहले से भी लिख देता हूँ। तो चलिए उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आता होगा। मैं टाइम को बचाने के लिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोगों को सुझाव देना हो मुझे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स करके बताइएगा, कमेंट में मैसेज करके बताइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। इनमें से कौन सा जैव शैल है? यहाँ पर बताना है कौन सा जैव शैल है इनमें से। संगमरमर, कोयला, ग्रेनाइट या स्टेल, कौन सा है? इसका राइट आंसर है कोयला। यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा वो कोयला होगा, क्योंकि ये कोयला जो है ये कार्बनिक अवसादी चट्टान है। क्या बोलते हैं इसको? कार्बनिक अवसादी चट्टान। और ये पेड़ पौधों के मलबे से निकलता है। ये जो कोयला होता है ये पेड़ पौधों के मलबे से निकलता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। प्रसिद्ध पुस्तक मालगुड़ी डेज, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक थी, इसके लेखक का नाम पूछा गया है और ये SSC के लगभग MTS के एग्ज़ाम्स में और 10+2 के एग्ज़ाम्स में बार बार पूछा जाता है। ये प्रसिद्ध पुस्तक मालगुड़ी डेज के लेखक कौन है? ये इनका नाम है R.K. नारायण। ये एक राइटर थे, इन्होंने लिखी थी मालगुड़ी डेज। एक मालगुड़ी डेज के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये इंडियन थाट पब्लिकेशन पर प्रकाशित की गई थी, इंडियन थाट पब्लिकेशन पर 1943 में। ये किस वर्ष की गई थी? 1943 में प्रकाशित की गई थी। और इसके अंदर मालगुड़ी डेज में 19 कहानियाँ हैं।
कितनी स्टोरीज हैं, 19 स्टोरीज हैं, जो कि दक्षिण भारत की एक काल्पनिक शहर है मालगुड़ी, वहाँ से उसमें इसके बारे में बताया गया है। मालगुड़ी जो एक दक्षिण भारत का इस कहानी में काल्पनिक एक शहर है, ये उसके बारे में ये कहानी है, जो कि अपने DD नेशनल चैनल पर इसका एक एपिसोड भी आता था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष प्राप्त की थी? यहाँ पर भारत पर प्रभुसत्ता प्राप्त कर ली थी 1858 ईस्वी में। कब कर ली थी? 1858 ईस्वी में, जब हमारा सिपाही विद्रोह हो चुका था, उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने यहाँ पर सत्ता अपनी बना ली थी। अब ये सिपाही विद्रोह ये हुआ कब था? ये हुआ था 1857 में। कब हुआ था? 1857 में। और 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, उसमें उस शासन को कंपनी के हाथों से निकाल कर ब्रिटिश सामग्री को सौंप दिया था। उस शासन में ये कंपनी से के हाथों से पूरा निकाल दिया गया था सत्ता, और जो ब्रिटिश सामग्री थी एलिजाबेथ प्रथम उनको सौंप दिया गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? यहाँ पर बताना है कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है। ये इसका आंसर है फुसफुस शिरा। क्या आंसर है इसका? फुसफुस शिरा। अब ये फुसफुस शिरा का काम क्या होता है? ये फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है वो शुद्ध रक्त हृदय में भेजता है। कहाँ भेजता है? हृदय में भेजता है, और यही ऑक्सीकृत रक्त को बाएं अलिंद में पहुंचाती है। यही जो होता है ऑक्सीकृत रक्त को कहाँ? बाएं अलिंद में, हृदय के बाएं अलिंद में पहुंचाती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यहाँ पर बताना है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ये कब बनी थी एनी बेसेंट? 1917 का जब कोलकाता अधिवेशन हुआ था, 1917 का कोलकाता अधिवेशन, उसकी ये अध्यक्ष बनाई गई थी कोलकाता अधिवेशन में। और एक क्वेश्चन और आता है इसी से रिलेटेड कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ये तो थी प्रथम महिला अध्यक्ष, अब भारतीय पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो वो थी कौन थी? वो सरोजनी नायडू। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाने से पहले थोड़ा INC के बारे में बता देता हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1885 में, AO ह्यूम ने की थी। कब की थी? AO ह्यूम ने 1885 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। उपयोग की औसत प्रवृत्ति को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? ये किया जाता है कुल उपयोग बटे कुल आय, कुल उपयोग बटे कुल आय में परिभाषित किया जाता है। इसमें होता क्या है औसत प्रवृत्ति में, कि जो दिए गए समय में कुल उपभोग होता है वो कुल आय का रेशियो होता है। कुल उपभोग जो होता है दिए गए समय में वो कुल आय का क्या होता है? रेशियो होता है। ये कुल उपयोग बटे कुल आय। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी प्रतियोगी फर्म को अल्प अवधि में हानि होती है तो वह क्या होता है? यदि किसी प्रतियोगी फर्म को अल्प अवधि में हानि होती है तो वह क्या होता है? अपनी प्रचालन लागत को पूरा करने तक उत्पादन करती रहेगी। तो वह क्या करेगी? अपनी प्रचालन लागत को पूरा करने तक क्या करती रहेगी? उत्पादन करती रहेगी। जब अल्प अवधि का मतलब होता है कि जब घाटे में चल रही है कोई, मतलब जब कोई अल्प अवधि में कोई फर्म घाटे में चल रही है तो अपनी प्रचालन लागत को पूरा करने के लिए वो क्या करेगी? उत्पादन जारी रखेगी, उत्पादन को बंद नहीं करेगी, उत्पादन जारी रखेगी। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ये मार्केटिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र पद्धति की विशेषता है? यहाँ बताना है क्या एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र पद्धति की विशेषता है, वो है उम्मीदवार को चुनाव संबंधी खर्च कम करना होता है। क्या करना होता है? उम्मीदवार को चुनाव संबंधी जितने भी खर्च होते हैं वो कम करने होते हैं। अभी इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों में एक सदस्य चुना जाता है उसे क्या कहते हैं? सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होता क्या है, कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों में से सिर्फ एक ही सदस्य चुना जाए उसको बोलते हैं सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। इसमें क्या होता है, जो
राजनीतिक दलों की संख्या जो होती है वो सीमित होती है, और एक दल जो होता है वो स्थायी सरकार बनाने में अपना संभावना होती है, जो एक दल होता है वही स्थायी सरकार बनाती है, उसी की संभावना रहती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कीन्सवादी उपभोग फलन किसके बीच संभव दर्शाता है। कीन्सवादी उपभोग फलन किसके बीच संबंध दर्शाता है, कुल उपभोग और कुल आय किसके बीच संबंध दर्शाता है, कुल उपभोग और कुल आय के बीच संबंध को ये दर्शाता है। और जो उपभोग का स्तर जो होता है वो वर्तमान आय पर निर्भर करता है, उपभोग का जो स्तर होता है वो वर्तमान आय पर निर्भर करता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं राजभाषाएं वर्णित हैं। यहाँ पर जो हमारे संविधान में वर्तमान में अभी टोटल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, 22 भाषाओं के बारे में दिया हुआ है। और पहले कितनी भाषाएं थी इसमें, पहले 14 भाषाएं थीं। कितनी थी? 14 भाषाएं थीं। 2003 के बाद क्या हुआ था कि इसमें से कुछ भाषाएं जोड़ी गई थी, जो कि है कौन कौन सी मैं बता देना चाहता हूँ, मैथाली, डोगरी, बोडो, संथाली। कौन कौन सी हैं? मैथाली, डोगरी, बोडो, संथाली, इनको 8वीं अनुसूची में रखा गया है। कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची में रखा गया है इन 22 भाषाओं को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि इसी से ही रिलेटेड है, भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं। यहाँ पर वही क्वेश्चन जो कि मैंने अभी बताया है, ये जो राजभाषाएं हैं वो किस अनुसूची में वर्णित हैं, जो कि 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं, जो कि मैं बता चुका हूँ अभी आप लोगों को। उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा सब। वीडियो को लास्ट तक देखिए प्लीज़, और लास्ट में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो के आपको मेरे क्वेश्चंस कैसे लगते हैं, और उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए जो कि बच्चे फाइनेंशियल प्रॉब्लम में रहते हैं, कोचिंग नहीं जा सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे मैसेज उन तक पहुँचाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आज का लास्ट का क्वेश्चन है, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई थी। ये जो भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता हुई थी, तो ये कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई थी? ये हुई थी वांडी वाश का युद्ध। जो वांडी वाश का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था ये बता देना चाहता हूँ मैं, ये हुआ था 1760 में हुआ था। कब हुआ था? 1760 में, 1760 में हुआ था, 22 जनवरी 1760 में हुआ था। और ये किनके किनके बीच लड़ा गया था? अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। किनके किनके बीच? अंग्रेज, इसीलिए इसको बोला जाता है आंग्ल फ्रेंच युद्ध, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच ये लड़ा गया था, और इसमें जो थे फ्रांसीसियों की हार हुई थी, अंग्रेज जीत गए थे। और इसी के बाद जब ये हार गए थे तो पांडिचेरी को जो था वो अंग्रेज़ों को सौंपना पड़ा था, जो पांडिचेरी राज्य इनके कब्जे में था वो इनको अंग्रेज़ों को सौंपना पड़ गया था। जो पांडिचेरी था राज्य, वो हार के बाद इनको फ्रांसीसियों को अंग्रेज़ों को देना पड़ा था। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन, और देखते हैं आज का, कल का जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था, देखते हैं उसका आंसर क्या है। 1757 के ईस्वी के प्लासी के युद्ध के समय सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? ये सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किसने किया था? ये किया था मीर जाफर ने। किसने किया था? मीर जाफर ने किया था, जो कि बंगाल का नवाब था। और इसी के बाद से ही जो माना जाता है कि, और मीर जाफर के ही जब आना हुआ था, मीर जाफर जब सत्ता में आया था ये बंगाल की सत्ता में, तो इसी के ही काल आने से ही ब्रिटिश सत्ता का भारत में आना माना जाता है। जो ब्रिटिश सत्ता अपनी भारत में आ गई थी इसी के चलते ही आई थी, तो इसका राइट आंसर होगा मीर जाफर। चलिए देखते हैं आज का होमवर्क क्वेश्चन। आज का होमवर्क का क्वेश्चन है, आकाश किसके कारण नीला दिखाई पड़ता है? आकाश किसके कारण नीला दिखाई पड़ता है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, मी प्रकीर्णन, पश्च प्रकीर्णन, रिलय प्रकीर्णन, मी प्रकीर्णन। कौन कौन सा? मी प्रकीर्णन, पश्च प्रकीर्णन, रिलय प्रकीर्णन। यहाँ पे दो बार मी प्रकीर्णन होगा, एक मैं काट देता हूँ मी प्रकीर्णन को। चलिए देखते हैं आपके लिए आज तीन ऑप्शन ही है, मी प्रकीर्णन, पश्च प्रकीर्णन और रिलय प्रकीर्णन। इनमें से कोई एक आंसर सही होगा, तो मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट का। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको लगता हो कि हाँ मैं मेहनत करके आपके लिए बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल लाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको लगता हो मेरी कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।